ज़कात का नसाब क्या है? 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उनमें से जिसकी कीमत कम हो उस मिकदार की रकम उस पे 1 साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। और अगर कोई ताख़ीर करता है तो गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई एडवांस भी दे देता है तो ज़कात उसकी भी हो जाएगी कि 2 सालों की इकट्ठी ज़कात दे देता है तो ये भी जायज़ होगी कि उसने एडवांस ज़कात दे दी। अब ज़कात के मसारफ़ क्या हैं? ज़कात के मसारफ़ जो हैं वो 8 हैं। फ़कीर को ज़कात दी जाएगी। फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, ना घर हो, ना मकान हो, ना उसके पास कोई ज़र हो, बस बिल्कुल खाली मखाली, ऐसा शख्स फ़कीर कहलाता है, तो इसको ज़कात दी जाए। दूसरा मसरफ़ मिस्कीन है। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिसके पास अपना ज़ाती घर तो है और थोड़ा बहुत काम कारोबार भी है, बच्चों की रोटी रोज़ी भी चलती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि वो निसाब की मिल्क तक पहुँचे, यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इन दोनों में से किसी एक की कीमत उसके पास नहीं है तो वो मिस्कीन कहलाएगा, तो वो भी ज़कात का मुस्तहिक है। तीसरा रिकाब, यानी ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए उसको ज़कात दी जा सकती है ताकि वो अपनी कीमत दे करके अपने आका से अपनी जान छुड़ा ले। और चौथा गारम। गारम वो है जो कर्ज़े तले दब गया है और उसके पास कर्ज़ा उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो उस मकरूज़ का कर्ज़ उतारने के लिए उसको ज़कात दी जा सकती है। 5वां शख्स फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह वो शख्स है कि जो अल्लाह की राह में निकला हुआ है, जो मदारसे दीनिया के तलबा हैं वो भी इस ज़ुमरे में आते हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है। और 6ठा शख्स इब्नुस्सबील, मुसाफिर। मुसाफिर को ज़कात दी जा सकती है अगरचे वो मालदार है, लेकिन जब वो सफ़र में आया तो उसके पास कुछ नहीं है, तो अब वो ज़रूरतमंद हो गया, माल तो उसके इलाके में है, तो अब उसको ज़कात से आप मदद कर सकते हैं। और 7वां मसरफ़ आमिल, जो हुकूमत की तरफ से ज़कात इकट्ठी करने पे मामूर हो तो बाकायदा उसकी तनख्वाह भी ज़कात की रकम से दी जाएगी। 8वां मसरफ़ ज़कात का वो लोग हैं जिनके बारे में ये गुमान हो कि वो इस्लाम ले आएंगे, तो उनकी दिलजोई करके उनको ज़कात की रकम भी दे सकते हैं ताकि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, लेकिन अब इस्लाम गालिब हो गया तो इसकी ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह अकबर। तो ये 40वां हिस्सा है ज़कात का, यानी 100 में से 2.5 रुपये राह खुदा में। इन मसारफ में सबको बाँट कर भी दिए जा सकते हैं, किसी एक मसरफ़ को भी दिए जा सकते हैं। हज़रत शेख अहमद मुजद्दद अल्फ़ानी अलैहिर्रहमा मकतूबात में लिखते हैं, जब दीन का इन्हिदाम हो रहा हो, जब दीन की कदरें पामाल हो रही हों, तो उस ज़माने में राह दीन में एक दांग खर्च करना, एक पाई खर्च करना दीगर मद्दात में लाखों रुपये खर्च करने से अफजल है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं कसम उठा के, रब की कसम उठा के मैं कहता हूँ, एक तो मेरा कहना काफ़ी है, फिर मैं मोहम्मद रब की कसम उठाऊँ तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। फरमाया, मैं मोहम्मद रब की कसम उठा के कहता हूँ कि सदक़े से माल कम नहीं होता। तुम्हारा अकाउंटेंट कहता है कि इतने कम हो गए, तुम्हारा कैलकुलेटर हिसाब देता है कि इतने कम हो गए, लेकिन तुम्हारा रसूल कहता है कसम है नहीं कम होंगे। अब जिसने तजर्बा करना हो वो तजर्बा करके देख ले। खुदा की राह में दिया गया कभी भी कम नहीं होता, सदक़े से माल बढ़ता है, माल में इजाफ़ा होता है, माल में बरकत होती है। इसलिए अल्लाह की राह में ख़र्च करो, नफली तौर पर भी ख़र्च करो, और जो वजूबी सदक़ात हैं उनको भी अदा करो ताकि माल पाक हो जाएं, सुथरे हो जाएं।